So guys, I'm very much excited to share my Shein haul with all of you guys. Actually मैं Shein से काफ़ी purchasing करती हूँ, लेकिन ये मेरा first ever Shein haul है जिसमें मैं try and haul करने वाली हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो without this is how I styled lavender with my basics. So this spring season you also shop lavender and flaunt in your way. ये चार ड्रेसेस मुझे Shein से मिले, देखिए मैंने किस तरीके से स्टाइल किया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना Shein समर ट्रेंडी हॉल, क्योंकि समर सेल्स चालू होने वाली हैं Shein पे 26 जून से 29 जून और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 85% ऑफ। यस, सो गाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कूपन कोड इज़ हियर। यू कैन अवेल ₹300 ऑफ ऑन द परचेसिंग ऑफ 2100। सो इट्स अ वेरी नाइस डील। सो गाइस इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग वीडियो, सो टेक योर मग ऑफ कॉफी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सभी ड्रेसेस आपको इस तरीके के जिपलॉक पैकेट में मिल जाती है, जिसको बाद में भी आपको इस ड्रेस को स्टोर करना बहुत ही इजी रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इस ड्रेस को। तो गाइस ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस जो कि लेवेंडर कलर में है, पूरा फ्लोर लेंथ तक लॉन्ग ड्रेस है, प्लीटेड ड्रेस है और इसका शिफॉन फैब्रिक है। और सारी ड्रेसेस में जो मेरा साइज है वो एम है जनरली, और जो भी साइज और प्रोडक्ट की प्राइस है वो यहाँ स्क्रीन पर मैं मैंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का इसका नेक है, राउंड नेक इस तरीके से फ्रंट में है, बैक साइड में पूरा क्लोज नेक है, बैक पूरा इसका स्लिटेड है इस तरीके से, और आप ट्रायन हॉल में इसको क्लियरली देख पाएंगे। इसके स्कर्ट पार्ट में थोड़े बड़े प्लीट्स दिए हुए हैं और टॉप पार्ट में थोड़े छोटे छोटे प्लीट्स हैं, और इस तरीके से ये नीचे से डिटैच्ड है तो इसे ये श्रग टाइप का लुक देता है। और फ्लेयर इसका आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है और इसमें पॉलिस्टर का लाइनिंग भी दिया हुआ है, जो अगेन आपको सी थ्रू नहीं लगेगा। ये ड्रेस काफ़ी अच्छा फ्लेयर इसका आप देख पा रहे हैं और लाइनिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। स्लीव्स इसके आप देख रहे हैं इस तरीके से फ्लेयर्ड है, हाफ स्लीव्स में ड्रेस है और बैक साइड का स्लिट आप देख पा रहे हैं, और इसमें बैक में जिप क्लोजर दिया हुआ है जो कि आपको बहुत अच्छी फिटिंग देता है। मुझे एम साइज़ में ये थोड़ा सा लूज रहा है, तो आप अपना साइज चार्ट चेक करके ऑर्डर करें। सो गाइस मैंने इस तरीके का बोहो प्रिंट का ड्रेस यहाँ पर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एसिमेट्रिकल शोल्डर है इसका, वन साइड इसका ऑफ शोल्डर जाता है, ये स्लीव्स जो है आपकी नीचे स्टार्ट होती है, यहाँ पर भी इलास्टिक दिया हुआ है। और इसकी जो बिशप स्लीव्स हैं वो बहुत ही प्यारी लगती हैं पहनने के बाद, और इसमें ऐसे लास्ट में कफ दिया हुआ है और यहाँ पर दो बटन की डिटेलिंग है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट लेंथ में है और नीचे भी इसमें रफल्स दिए हुए हैं, दो फ्रिल ऐसे बड़े बड़े वाले दिए हुए हैं, आप ट्राई ऑन में देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वेस्ट पे एक कटआउट भी दिया हुआ है और इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिस्टर फैब्रिक है। अगर आप कॉटन और रेयॉन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये इस तरीके का नहीं है, लेकिन ये जो है फैब्रिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आप बीचेस पे इसे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्रिंट भी बहुत ही अच्छी लगती है, बोहो प्रिंट बीच पे आप फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया। चलिए देख लेते हैं इसे मैंने किस तरीके से स्टाइल किया है। नेक्स्ट ड्रेस है ये शिफॉन में पेस्टल येलो कलर में, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा स्प्रिंग सीजन में, और इस तरीके से 3 लेयर में है और ये नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन बहुत ही प्यारा ड्रेस है। इसका नेक बहुत सुंदर है, नेक की डिटेलिंग आपको मैं दिखा देती हूँ। फ्रंट नेक में छोटा सा स्लिट दिया हुआ है, इस तरीके से फ्रिल लगे एंड एक स्ट्रिंग है, और ये ड्रेस जो है 3 लेयर में इस तरीके से रफल ड्रेस है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसकी लॉन्ग स्लीव्स में आगे इलास्टिक लगा हुआ है, ऊपर छोटे से पफ्स दिए हुए हैं, तो बहुत ही क्यूट लग रही है इसकी स्लीव्स। इसमें और भी 2-3 कलर अवेलेबल है, आप साइड पे चेक कर सकते हैं। रेड और ब्लैक भी बहुत क्यूट है, थोड़ा सा सी थ्रू ड्रेस है, तो इसमें अंदर आप जो स्पेगेटी स्टाइल करेंगे वो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसमें प्रिंटेड स्पेगेटी के साथ इसे स्टाइल करेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरीके से इसे स्टाइल किया है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये बोहो प्रिंट में पैंट्स जो कि वाइड लेग हैं और फ्रंट में इस तरीके से स्प्लिटेड है, नी लेंथ से ये इसका स्प्लिट स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसकी प्रिंट भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इस तरीके से इसमें फ्लावर प्रिंट है, आप पास से देख पा रहे हैं फ्लावर प्रिंट है, वाइट और पिंक ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है नेवी ब्लू कलर पर, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से इसमें यहाँ पर ऊपर इलास्टिक दिया हुआ है और साइड में इसमें इस तरीके से टाई ऑन भी दिए हुए हैं, जो कि टाई करके बहुत ही सुंदर स्टाइल लगता है। तो इसे आप किसी भी सॉलिड कलर के टॉप के साथ पेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो फैब्रिक है ये रेयॉन फैब्रिक है जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, और इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है आपको इस तरीके की जो कि पॉलिस्टर की है, लेकिन ये लाइनिंग की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इसको पहनने में ऑकवर्ड नहीं लगेगा। हिप लेंथ तक पूरा इसका लाइनिंग है जो कि काफ़ी सारे पैंट्स में हम पहनते तो हमें ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, बट वो आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। इसमें डबल लेयर आपको मिल जाती है। तो इस तरीके के पैंट्स को मैंने किस तरीके से स्टाइल किया, चलिए देख लेते हैं। ये सॉफ्ट पिच कलर में टॉप जिसकी स्लीव्स पे आप देख रहे हैं इस तरीके से ट्रिम्ड टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था। ये क्रॉप्ड है और नीचे की साइड भी इसी तरीके से ट्रिम्ड इसके एंड्स है, और ये बिल्कुल डीप वी नेक में आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं जिनसे आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मैंने कई बार एज ए ब्लाउज़ भी पेयर किया है अपनी साड़ी के साथ। आप भी ज़रूर एक्सपेरिमेंट करिएगा। सो दिस इज़ वेरी नाइस डील इन जस्ट 400 रुपीज़। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत। एंड नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का स्लीव ड्रेस जो कि वेलवेट फैब्रिक में है, मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। इसका जो वेलवेट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके का वेलवेट है, और इसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी वो भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो ये स्लिप दिए हुए हैं इसमें एडजस्टेबल आपको दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इसकी लेंथ। और इसका जो फ्रंट नेक है वो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से काउल स्टाइल में आ जाता है जो कि पहनने पे बहुत प्यारा लगता है। और इसके बैक साइड में आप देखेंगे इस तरीके से स्लिट दिया हुआ है। नेक्स्ट है ये सीक्वेन जैकेट जो कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने अपने साड़ी वीडियो में डाला था इसे कि ये आपने कहाँ से परचेज़ किया है। मैंने शीन से परचेज़ किया है, और इस तरीके के इसके सीक्वेंस से थोड़ी दूर दूर पे अटैच्ड हैं, लेकिन ये स्ट्रेचेबल नेट फैब्रिक पे इस तरीके के सीक्वेंस लगे हुए हैं। इसके सीक्वेंस बिल्कुल नहीं गिरते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। बस थोड़ा सा ये मुझे एक्सेस साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहा, इसकी फिटिंग का थोड़ा सा इशू हो गया, अदरवाइज़ ये बहुत। और ये डबल लेयर्ड है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। इसके अंदर जो फैब्रिक है इनर वाला वो काफ़ी इलास्टिक है, और ये जो है नेट पर इस तरीके से सीक्वेंस लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीक्वेंस हैं। तो ये ओपन श्रग भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं काफ़ी तरीके से इसे स्टाइल करती हूँ। आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसे डिफरेंट स्टाइल में पेयर किया है। देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस जो मैंने ऑर्डर की है वो घर में पहनने के लिए मैंने ऑर्डर की है। इस तरीके का पैंट सेट है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे सेल में मिल गया। जस्ट 300 रुपीज़ में मुझे ये इस तरीके का कैमो प्रिंट टी शर्ट जो कि क्रॉप्ड है, और इस पर यहाँ पर शेप लिखा हुआ है, और इसका जो फैब्रिक है वो आप देख रहे हैं जो होजरी फैब्रिक आता है हमारा, सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसका। और इसके साथ पैंट्स आए हैं, उसमें इस तरीके से इलास्टिक दिया हुआ है, ब्रॉड वेस्ट, और इसकी लेंथ जो है आपकी पूरी एंकल लेंथ तक आती है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लगा मुझे। नेक्स्ट है ब्लैक कलर में ये शेयर मैश टॉप। इसकी भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया। मैं इसे साड़ी पे ब्लाउज़ की तरह पेयर करती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। तो ये जो टॉप है ये मैंने शीन से ही परचेज़ किया था, और ये देखिए इस तरीके का इसमें नेट का है ये, और इस पर ऊपर इस तरीके की लाइनिंग्स दी हुई है जो कि वेलवेट की लाइंस होती हैं, और धोने पर बिल्कुल भी इसके वेलवेट्स नहीं ख़राब हुए। ये आफ्टर वॉश में आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा टॉप है, आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। पूरा लॉन्ग स्लीव्स में भी आता है, शॉर्ट स्लीव्स में भी अवेलेबल है। आपको जैसी स्लीव्स पसंद है आप ले सकते हैं। और इसका जो नेक है, नेक ज़रूर मुझे थोड़ा सा लूज़ रहता है क्योंकि मेरी गर्दन जो लंबी और पतली है तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे लूज़ लगता है। अदरवाइज़ ये टॉप बहुत अच्छा है, इसे आप कई सारी स्टाइल में पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये लेपर्ड प्रिंट में टॉप जो कि वी नेक में है, आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी डीप नेक है इसका। तो इसके अंदर आपको अलग से स्पैगेटी पहननी पड़ती है। ब्लैक कलर की स्पैगेटी के साथ मैं इसे पेयर करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और इस तरीके का ये है सॉफ्ट फैब्रिक में, काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी स्लीव्स का स्टाइल भी आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, फॉलिंग। नेक्स्ट है मेरी फेवरेट पिंक कलर में पोल्का डॉट टी। इसकी मॉक नेक स्टाइल आप देख रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इसकी आती है। स्लीव्स थोड़ी सी इसकी मुझे लॉन्ग लगती है, बट घर में पहनने के लिए परफेक्ट है। एंड 100 रुपीज़ में और क्या चाहिए। आप इस तरीके की टीज काफ़ी सारी ऑर्डर कर सकते हैं शीन से, घर में पहनने के लिए काफ़ी स्टाइलिश और ट्रेंडी लगती है। मैंने काफ़ी सारे मॉक नेक वाले टी शर्ट्स भी यहाँ से परचेज़ किए हैं। जस्ट 250 रुपीज़ में मुझे सेल में इस तरीके के सॉफ्ट टी शर्ट्स मिल गए थे जो कि घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड ये थोड़े से क्रॉप टी शर्ट हैं, लेकिन आप इसे स्टाइल कर सकते हैं और भी बहुत अच्छे डिफरेंट वेज में। अभी देख रहे हैं आप वायरल वीडियोज़ काफ़ी सारे, तो उस तरीके से स्टाइल करेंगे तो ये नॉर्मल से टी शर्ट्स भी बहुत ट्रेंडी लुक देते हैं आपको। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ड्रेसेस तो अभी काफ़ी सारी बाकी है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आप चाहेंगे तो मैं अपलोड करूँगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप काफ़ी सारे टॉप को भी अपनी साड़ी के साथ एज ए ब्लाउज पेयर करती हूँ, अगर उस टाइप के टॉप आप देखना चाहते हैं हॉल वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और फैशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।